एक तरफ दोस्तों सलार मूवी हमें OTT पर देखने को मिल चुकी है, भले ही दोस्तों हिंदी डब में नहीं रिलीज हुई हो, लेकिन दोस्तों डंकी मूवी जो है वो तो सिर्फ और सिर्फ हिंदी में मतलब रिलीज होंगी सबसे पहले। यहाँ पर दोस्तों कुछ भी ऐसी गड़बड़ नहीं होने वाली है। तो बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं डंकी मूवी की OTT रिलीज डेट को लेकर कि कब मूवी देखने को मिलेंगी। और सबसे ज़्यादा डेंजर बात यह है कि मूवी के जो राइट्स हैं वो जियो सिनेमा वालों ने एक्वायर किए। तो दोस्तों सोच विचार तो बनता है। खैर दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे डंकी की OTT रिलीज डेट अपडेट्स को लेकर, जो कि कुछ नई अपडेट्स निकल कर आई है। तो जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखते रहिए, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मूवी को लेकर बात करें तो मूवी का कलेक्शन भाई 500 करोड़ का आई थिंक हो चुका है। पहले मैंने बताया था कि 450 हो गया, वो भी मतलब पार हो चुका है, क्योंकि दोस्तों ये मूवी जो है बैक टू बैक अच्छे खासे कलेक्शन निकाल रही थी और काइंड ऑफ एक स्टेबल ही थोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी सलार के सामने भी। तो हाँ, सलार के थिएटर में लगने से इसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ा है। ये मूवी अपने आप में ही ब्लॉकबस्टर है और राजकुमार हिरानी सर की जो मूवीज होती है वो सुपर डुपर हिट होती है। बात करें मूवी के OTT प्लेटफॉर्म के बारे में, तो सबसे पहले इस मूवी के जो राइट्स हैं वो जियो सिनेमा वालों ने, जिन्हें मैं जियो डिलेमा बुलाता हूँ, उन्होंने एक्वायर किए थे लगभग 155 करोड़ में। और दोस्तों मैंने आप सभी को हर वीडियो में ये अपडेट दी है कि जियो सिनेमा वाले कभी कभी क्या करते हैं, किसी मूवी के राइट्स एक्वायर कर लेते हैं और सोल्ड कर देते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म को, जैसा ज़ी5 करते हुए आ रहा है। तो फिलहाल ऐसी अपडेट्स आ रही है कि नेटफ्लिक्स वालों ने इसे एक्वायर किया है। हालांकि अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है, लेकिन हाँ नेटफ्लिक्स की अपडेट आ रही है और चांसेस बनते हैं कि नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो। क्योंकि नेटफ्लिक्स जो है अभी जितनी भी मूवीज़ अभी रिलीज़ हुई है ना, आप चेकआउट कर लो, सारी की सारी बड़ी मूवीज़ आपको सिर्फ और सिर्फ नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलेंगी। और इसका बहुत बड़ा रीज़न है कि भाई नेटफ्लिक्स खतरनाक वे में ऊपर जा रहा है, मतलब टॉप पे जा रहा है, सारे OTT प्लेटफॉर्म के मतलब खतरनाक वाट लगाई है। खैर बात करें तो इसके रिलीज डेट के बारे में कि डंकी मूवी हमें OTT पर कब देखने को मिलेंगी। अगर प्रॉपर शेड्यूल वाइज अगर इसे इन लोग रिलीज़ करते हैं तो ये मूवी आपको 9 से 16 फरवरी के बीच देखने को मिल जाएंगी। ये टाइम बिल्कुल इसका एक कंप्लीट टाइम पीरियड हो रहा है दोस्तों OTT पर आने का। लेकिन इन केस भाई जियो सिनेमा वाले कुछ गड़बड़ करते हैं तो फिर आप सबको पता है कि इस मूवी को आने में बहुत टाइम लगने वाला है, क्योंकि जियो सिनेमा के जो ट्रैक रिकॉर्ड देखें बहुत ज़्यादा ही खतरनाक है। यहाँ पर ज़रा हट के ज़रा बच के मूवी अभी तक रिलीज़ नहीं हुई है। बाकी सारी चीज़ें आप जानते हो जियो डिलेमा के बारे में। क्या सोचते हो इस मूवी के बारे में कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आएगी लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।